आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे iOS 13 के कुछ टॉप बैटरी सेविंग टिप्स के बारे में। स्वागत है आप सबका आई एम डिजिटली और यूट्यूब चैनल में मेरे यार, और ये है टेक मंगलवार। तो पहला टिप है एनालिटिक्स के बारे में। एप्पल आपके आईफोन और आईपैड से काफ़ी डेटा पॉइंट्स लेता है बैकग्राउंड में, और इसमें बहुत ज़्यादा बैटरी भी खर्च होती है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में और नीचे स्क्रॉल करेंगे प्राइवेसी में, और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे हम लोग एनालिटिक्स में, और यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को हम डिसेबल कर देंगे। पहला है शेयर आईफोन एंड वॉच एनालिटिक्स, और दूसरा है शेयर आई क्लाउड एनालिटिक्स। जो नेक्स्ट टू टिप्स है वो लोकेशन सर्विसेज के बारे में है। लोकेशन सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन करते हैं, खास करके जब हमको उसको यूज़ नहीं करना है। तो उसके लिए दोबारा जाएंगे सेटिंग्स में और नीचे स्क्रॉल करेंगे प्राइवेसी पे, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है लोकेशन सर्विसेज, इसको क्लिक करेंगे और नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐप्स हैं जो हमारे लोकेशन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊँगा गूगल मैप्स के ऐप में, और ये फ़िलहाल सेट है ऑलवेज पे, जो कि बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करेगा। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा वाइल यूजिंग दी ऐप पे, यानी कि गूगल मैप्स मेरे फ़ोन के लोकेशन सर्विसेज को तभी यूज़ करेगा जब मैं गूगल मैप्स यूज़ कर रहा हूँ। शेयर माई लोकेशन, इस फीचर से भी काफ़ी ज़्यादा आईफोन की बैटरी ड्रेन होती है, तो इसको भी हम लोग डिसेबल करेंगे। इसके लिए दोबारा लोकेशन सर्विसेज में जाएंगे और ऊपर स्क्रॉल करके जाएंगे हम लोग शेयर माई लोकेशन पे, और यहाँ पे हम शेयर माई लोकेशन को डिसेबल कर देंगे। इससे आप अपने आईफोन की बैटरी काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। आई एम श्योर आप में से कई लोगों को इस टिप के बारे में पता है, लेकिन हो सकता है कि iOS 13 के अपडेट में ये चेंज हो गया हो। इसके लिए जाइए सेटिंग्स में और उसके बाद जाइए जनरल पे, और यहाँ पे ऑप्शन है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का, उसको हम लोग ओपन करेंगे। मैंने इसको फिलहाल सेट किया है वाईफाई पे, यानी कि जब भी मेरा आईफोन वाईफाई कनेक्शन में होगा उसी वक्त पे मेरे ऐप्स बैकग्राउंड में रिफ्रेश होंगे। इसके साथ साथ नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का फीचर इस्तेमाल करते हैं। आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं वो ऐप्स जो आप नहीं चाहते हैं कि बैकग्राउंड में रिफ्रेश हों, और उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश की तरह विजिट्स भी काफ़ी हद तक बैटरी को ड्रेन करते हैं। विजिट्स को एक्सेस करने के लिए आप अपने आईफोन पे लेफ्ट से राइट स्वाइप करिए, और यहाँ पे आपके सारे विजिट्स आपको मिलेंगे। नीचे स्क्रॉल करके आप एडिट पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं वो ऐप्स जिसके विजिट्स आपको नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्रेड ऐप का विजिट मुझे नहीं चाहिए मेरे होम स्क्रीन पे, तो मैं इसको डिसेबल कर दूंगा। नेक्स्ट टिप एक नया टिप है iOS 13 में, जिसका नाम है ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग। इसके लिए आप जाइए सेटिंग्स में, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए बैटरी पे, और क्लिक करिए बैटरी हेल्थ। यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको आपको एनेबल करना है, जिसका नाम है ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग। इसको एनेबल करने से आप अपने आईफोन की बैटरी की एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, और ज़्यादा दिन तक आपकी आईफोन की बैटरी हेल्दी रहेगी। ये वाला टिप भी पुराना टिप है, लेकिन हो सकता है कि iOS 13 के अपडेट में इसकी सेटिंग चेंज हो गई हो। इसके लिए आप जाइए सेटिंग्स में और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, और यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो लॉक का। मैं इसको 2 मिनट्स पे रखता हूँ, लेकिन आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है रिड्यूस्ड मोशन। इससे आपके आईफोन के एनिमेशंस कम हो जाएंगे, जिससे आप काफ़ी हद तक बैटरी को बचा सकते हैं। इसके लिए आप जाइए सेटिंग्स में, और उसके बाद जाइए एक्सेसिबिलिटी में, और यहाँ पे ऑप्शन है मोशन, इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है रिड्यूस मोशन, इसको आप एनेबल कर दीजिए। इससे आप देख सकते हैं कि आपके जो फ़ोन की एनिमेशन है वो चली जाती है, और एक फ्लैट एनिमेशन आपको मिलता है, यानी कि फेड इन फेड आउट वाला एनिमेशन मिलता है। इससे आपकी बैटरी काफ़ी हद तक बच सकती है, लेकिन मैं इसको पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ। तो आज का सवाल है कि कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर मैंने कोई टिप मिस कर दी है तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में लिख के मुझको बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो। आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, आपसे मिल आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।